हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपके लिए गेट एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी वीडियो लाया हूँ कि कैसे आप गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और कैसे आप इसमें एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता लग चुका है कि गेट का नोटिफिकेशन आ गया है और जो इसके फॉर्म भरने की डेट है वो 30 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी और 24 सेप्टेम्बर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन यही आता है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और क्या स्ट्रैटेजी है जो आपको अपनानी चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो गेट का एग्ज़ाम है वो 6 मंथ के बाद हो जाएगा, यानी अराउंड 6 मंथ है आपके पास, यानी फरवरी में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा और जो इसका सिलेबस है वो भी सेम रहेगा। और तीसरी चीज़, जैसे कि जनरली गेट का ट्रेंड रहता है कि फिजिकल आपको अच्छी देखने को मिलती है और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों सेम लेवल की, तो हम उसी को मानते हुए मैंने ये स्ट्रेटेजी तैयार की है। तो पहले तो ये स्ट्रेटेजी दो पार्ट्स में है, एक तो उनके लिए जो स्टार्टिंग से नेट की तैयारी कर रहे हैं और जो अभी नेट का एग्ज़ाम के लिए भी पूरे तैयार हैं और गेट का एग्ज़ाम भी देंगे, और सेकेंड उनके लिए जिन्होंने अभी तैयारी करना स्टार्ट की है या जो तैयारी करना अभी स्टार्ट करेंगे गेट के एग्ज़ाम के लिए, या साथ में वो अभी नेट का भी देंगे। तो इन दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, तो उसको मैं वन बाय वन शेयर करूँगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बेटर है। सबसे पहले तो उनके पास चलते हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी शुरू से कर रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं जिनको नेट की तैयारी करते हुए भी 6 मंथ के अराउंड हो गया है या उससे भी ऊपर। तो उनके लिए आपको जो बातें ध्यान रखने की है वो ये है कि फर्स्ट आप जितने भी नेट और गेट के प्रीवियस ईयर हैं उन्हें अच्छे से सॉल्व कर लें, मतलब आपको नेट के, गेट के और इनफैक्ट IIT जैम के भी प्रीवियस ईयर अच्छे से सॉल्व कर लें, और गेट के एग्ज़ाम से पहले ये तीनों प्रीवियस ईयर आपके टिप्स में होने चाहिए। और कम से कम फिजिकल के क्वेश्चन तो आप IIT जैम के लगा ही लें, अगर आप IIT जैम के प्रीवियस ईयर पूरे भी नहीं करते हैं तो। सेकेंड, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है अभी 5th 6th मंथ में, अगर आपने कोचिंग ली है या खुद से भी पढ़ा है और आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और आपको जैसे कि पता है कि अभी नेट के एग्ज़ाम में भी काफ़ी टाइम है और उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं जो भी टॉपिक आपके गेट के लिए छूट गए, या ये कह सकते हैं जो आपने सिर्फ नेट के लिए पढ़ा है और गेट के लिए नहीं पढ़ा, उसे आप अभी पढ़ सकते हैं और किताब से भी उन टॉपिक को देख सकते हैं, या जो भी आपके वीक टॉपिक हैं उन्हें आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कि गेट में देखो कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए आपको वहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए या उनका आइडिया ज़रूर होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप कोई भी टॉपिक छोड़ देते हैं तो उसका नुकसान आपको शायद गेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तीसरा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें या असाइनमेंट करें या टेस्ट दें तो प्लीज़ कोशिश करें जो कैलकुलेशन है आप बाय सेल्फ करें, मतलब आप कहीं कैलकुलेटर यूज़ ना करें, और अगर आप गेट के प्रीवियस ईयर भी करें अभी तो प्लीज़ आप बाय सेल्फ ही करें। इससे क्या होगा, एक तो आपको कैलकुलेशन जल्दी करने की आदत पड़ जाएगी और आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगी, और साथ में जब आप गेट के एग्जाम में रिवाइज करेंगे अपने क्वेश्चन को तो वहाँ पे भी आप अपनी गलती इजिली पकड़ पाएंगे कि आपने कहीं गलती तो नहीं कर दी कैलकुलेशन में। फोर्थ, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, लेट अस सपोज हम मानते हैं कि जो नेट का पेपर है लास्ट टाइम की तरह अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा या नवंबर के लास्ट तक हो जाएगा, तो मैं आपसे तब ये कहूँगा कि प्लीज़ आप दिसंबर में बुक्स जरूर देख लें एक बार, ऑर्गेनिक की, क्लेडन और कैरोथर, मतलब एक बार आप जल्दी जल्दी देख, आपको ईजिली भी समझने आ जाएगा क्योंकि आप स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, तो उसको आप जरूर देख लें क्योंकि जनरली क्लेडन से और कैरोथर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं ऑर्गेनिक के। और पूरी शर्मा पठानिया भी आप देख लें फिजिकल के लिए, या ये भी मैं कहूँगा कि आप IIT जैम के जरूर देख लें। और अगर इनऑर्गेनिक में भी आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म वीक है ऑर्गेनोमेटेलिक की, तो उसे भी आप जरूर देख लें, बुक से, हुई से देख सकते हैं या BD गुप्ता से। फिफ्थ, मैं आपसे ये कहूँगा कि प्लीज़ आप गेट के लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल मिस ना करें। ये गलती मैंने कर दी थी, गेट में टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, और जो टेस्ट सीरीज मैंने ली भी थी वो बहुत ही घटिया कोचिंग की मैंने ले ली थी, मैं नाम तो नहीं बोलना चाहूँगा, पर वो बहुत ही बेकार टेस्ट सीरीज थी और ना ही उसमें आंसर ठीक थे और ना ही क्वेश्चन ठीक थे और ना ही उनका इंटरफेस अच्छा था। तो इसीलिए आप ऐसी गलती ना करें, आप कोई अच्छी टेस्ट सीरीज पकड़ें, और अगर आप टेस्ट सीरीज भी नहीं देना चाहते तो प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर ही अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जैसे भी आपको एक्सेस मिलता है नए क्वेश्चनों का या नए तरीके के कॉन्सेप्ट का, तो उसे भी प्लीज़ आप सॉल्व करने की कोशिश, क्योंकि गेट का पेपर इसी पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितने अच्छे से सॉल्व करते हैं, और इसकी अच्छी रैंक आपके PSU में भी काम आती है, ये आपको पता है। अब सिक्स्थ लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने के लिए 15 to 20 डेज का रिविजन टाइम भी रखें,
ये गलती भी मैंने की थी कि मैंने अपने के लिए रिवीजन टाइम नहीं रखा था, क्योंकि मैं लेट स्टार्ट किया था गेट के लिए। इसीलिए क्या हुआ, मैं लास्ट वीक तक भी अपना सिलेबस कंप्लीट करने में रह गया। तो प्लीज़ आप ये गलती ना करें, 15 to 20 days का टाइम अपने पास रखें गेट के लिए एज ए बैकअप, और उससे पहले पहले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। यानी आपको जो भी नया सीखना है वो दिसंबर या मिड जनवरी तक सीख लें, बाकी का टाइम आप रिवीजन के लिए रखें। और बात करते हैं उन बच्चों की जो अभी से तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि उनकी रैंक अच्छी आ जाए और या उनका गेट अच्छे से क्वालिफाई। तो फर्स्ट मैं ये कहूँगा, अगर आपने कोई कोचिंग ले रखी है तो आप प्लीज़ उसी कंटेंट को फॉलो करें जब तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में है या आपने कोई कोचिंग ले ली है या किसी भी कंटेंट को आप फॉलो करते हैं, तो पहले आप उसको कंप्लीट करें, तब जाके आप किसी नए स्टेप में बढ़ें। एक स्ट्रेटेजी समझ लो या एक बहुत कॉमन बात है जो आपको पता रहनी चाहिए कि प्लीज़ आप अपना बार बार कंटेंट ना चेंज करें। तो जो भी आपने फिक्स कर लिया है उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करें। अब मानो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली और जो खुद से करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए कहूँगा प्लीज़ आप बुक्स के थ्रू जाएं, और बुक्स में आप ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन और कैरोथर पढ़ें। जनरली आपको सारे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसे फिजिकल में आप PSP देख लें और प्रीवियस ईयर अच्छे से देख लें, IIT JEE, IIT GATE और CSIR NET के, और इनऑर्गेनिक में भी आप हुई और BD गुप्ता अच्छे से देख लें, तो आपको लगभग सारे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप इन बुक्स को अच्छे से कर लें और इनका रिवीजन भी 2-3 बार कर लें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक ही बार इन बुक को पढ़ें, थोड़ा टाइम लगेगा, मंथ लग जाएगा आपको एक एक बुक पढ़ने का, पर उसके बाद आपका जो रिवीजन है 15-20 days में होता रहेगा। तो इसको अगर आप 3-4 बार रिपीट कर लेते हैं एग्जाम से पहले पहले, तो मुझे लगता है आपकी रैंक बहुत अच्छी आने वाली है। सेकेंड, आपके लिए भी यही बात है कि आप CSIR NET GATE और IIT JEE के प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी मिस ना करें। अब मैं बार बार IIT JEE में इसलिए फोकस कर रहा हूँ, आपने देखा है लास्ट टाइम जो पेपर आया था वो IIT JEE का पोर्शन ज़्यादा लग रहा था एज कम्पेरिजन टू मास्टर्स का। तो इसीलिए आप IIT JEE के पोर्शन को भी थोड़ा देख लीजिएगा, और कम से कम फिजिकल का तो देख ही लेना। बट आपने अभी स्टार्ट किया है और आप ये अभी स्टार्ट करेंगे, तो इसीलिए आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। यानी कैलकुलेशन आपकी टिप्स में होनी चाहिए, और बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि आप ये सोचें मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ तो हर बार कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, या नेट का भी क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो कैलकुलेटर से करूँ, गेट का क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो कैलकुलेटर से करूँ, जैम का क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो कैलकुलेटर से करूँ। बिल्कुल भी ये गलती मत करना। आप प्लीज़ आप खुद से प्रैक्टिस करें, बाय सेल्फ क्वेश्चन निकालें, कैलकुलेटर का यूज़ ना करें। इससे क्या होगा कि एक तो आपको कैलकुलेशन के थोड़े शॉर्टकट पता चलेंगे, और जब आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो कुछ वैल्यूज़ है जो आपको याद हो जाएंगी, और जो याद करना बहुत ज़रूरी भी है। तो इसीलिए आप खुद से करें, और ये देखना आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है वो। इस तरीके से एक तो आप अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक पहचान पाएंगे, साथ में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा सवाल को अप्रोच करने के लिए। फोर्थ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बुक पढ़ते समय भी आप इस बात का ध्यान रखें कि सिलेबस को अपने सामने रखें। मतलब है कि आप सिलेबस वाइज ही बुक पढ़ें, मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरी बुक पढ़ लें, क्लेटन लेके बैठ जाएं तो आप फर्स्ट चैप्टर से लेके बैठ जाएं और लास्ट तक पूरा पढ़ें। आप कोशिश करें कि आप सिलेबस को देखें और सिलेबस को पूरा कंप्लीट करें, और कोई भी टॉपिक मिस करने की कोशिश ना करें। और अगर आपको लगता भी है कोई टॉपिक कठिन है, तो उनका बेसिक्स आप जरूर देख के चले जाएं, क्योंकि गेट में जनरली बेसिक से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, इतना हार्ड गेट का एग्जाम होता नहीं, या क्वेश्चन वो इतनी डीपली में जाते नहीं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। तो अगर आप कोई टॉपिक छोड़ते भी हैं तो अगर उसका बेसिक्स तक आप देख के चले जाएँ तो। अब फिफ्थ, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखो, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऐसा हो सकता है कि आप अभी से तैयारी कर रहे हैं या आपने थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया है, बीच में अभी आप क्या पता नेट का पेपर भी देंगे और वहाँ क्या पता पेपर अच्छा ना रहे, और या ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी आपको ये लगता रहे कि कोर्स कैसे ख़त्म होगा और ये आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा, प्लीज़ आप हार ना माने, आप प्लीज़ गेट का पेपर ज़रूर दें और उसकी तैयारी ज़रूर करें, और जब तक आप गेट का एग्ज़ाम नहीं दे देते तब तक आप प्लीज़ हार ना माने। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, गेट के एग्ज़ाम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आप मानिए नेट में किसी कारणवश रह जाते हैं, तो गेट के एग्ज़ाम से आपको PhD में एडमिशन मिल जाता है, और बहुत अच्छी IITs में आपको एडमिशन मिल जाता है। और वैसे तो आप कोशिश करें कि आपकी रैंक जो है 500 या 1000 के अंदर आ जाए, तो आपके लिए ईजी होगा एडमिशन लेना। पर आपको मैं ये भी बता दूं, अगर आप हार नहीं मानेंगे और अगर आप सिर्फ गेट भी क्वालिफाई कर लेते हैं 2000 रैंक तक भी, अब भी मैं आपको कहूँ बहुत अच्छे IITs में आपके चांसेस हैं PhD के लिए, जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपको इससे PhD करनी है। तो इसीलिए आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लास्ट मोमेंट तक हार ना माने, और जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे देते कितनी भी एनजाइटी प्रेशर आपके अंदर आए, पर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि गेट का एग्ज़ाम पास करना बहुत आसान है,
मैं ये जरूर मानता हूँ कि इसमें रैंक लाना मुश्किल है, कि अंडर 100 लाना आपको थोड़ा कठिन पड़ता है, पर पास करना गेट का एग्ज़ाम बहुत आसान है, इसीलिए आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। लास्ट पॉइंट आपके लिए भी यही सजेशन है मेरा कि 15 to 20 days का बैकअप आप ज़रूर रखें रिवीजन के लिए, यानी आप इतना पढ़ लें कि आपका जो सिलेबस है वो दिसंबर तक ही कंप्लीट हो जाए, या आप अपने लक्ष्य को इतना माने कि जो भी आप पढ़ेंगे दिसंबर तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद आपका पूरा टाइम रिवीजन पे जाएगा। तो आप अच्छे से रिवीजन करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, फिर आप देखेंगे आपकी रैंक भी बहुत अच्छी आएगी और आपको बहुत अच्छी जगह एडमिशन भी मिल जाएगा। अब लास्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगा मैंने क्या गलतियाँ की थी गेट में और कैसे मैंने चीज़ें ख़राब कर दी थी और मेरी रैंक क्यों इतनी पीछे आई थी 291 ऑल इंडिया। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है। तब तक आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।